गेहूं के खेत छपा गए या आलू वाले खेत? आलू कुड़ी खूब भरी, आलू की कुड़ी भर गई है। मतलब जो कुड़ी भरी है वो बेल वाले खेत थे या बिना बेल वाले? बेल वाले नहीं। सड़ने गलने का समस्या आएगा? सड़ेगी तो आलू सड़ जाएगा ना, रुकेगी या चलती रहेगी? अबे रुकेगी, मेरे इधर रुकेगी, आपकी तरफ रुक जाएगी। क्यों, जिनका बचेगा ठीक लग रहा ना? अब तो किसी के मुंह से ये नहीं कह रहा, आपने सुना होगा कि यार। जय जवान जय किसान, नमस्कार दुआ सलाम, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो। आज दिनांक 5 फरवरी 2024 है और इस समय हम आ चुके हैं आलू मंडी छिबरामऊ में और करीबन अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे की पोजीशन आज आप लोग देख रहे हो। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक एक बात जो है आपको पॉइंट की बात आपकी जो आप लोग जानना चाहते हो वही जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अभी तक आपके अपने भाई का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई न्यूज पर डे लाता रहता हूँ। तो अभी करीबन 11 बज चुके हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 फरवरी सुबह से शाम को, मतलब 4 फरवरी की रात को भयंकर तरीके से मतलब बरसात हुई है और लगभग जो है, हम तो कल जब आगरा में बरसात हो रहा था ना तो आगरा ही में था, मतलब तो आगरा में कल सबसे पहले तो क्या हुआ, सुबह बारिश आया, उसके बाद क्या हुआ, दोपहर में बारिश आया, उसके बाद शाम को आया, फिर रात भर बारिश हुई, मतलब रात भर बारिश हुई आगरा में। करीबन हम 1:30 बजे तक आगरा में ही थे और अभी जब यहाँ पे आकर देखा तो मंडी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मंडी में इस समय आमदनी की अगर बात करेंगे तो मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा अभी सिर्फ 5-6 ट्रॉलियाँ आई हुई हैं 11 बजे। अब फरखाबाद के कुछ लोग भाव जानना चाहते थे, फरखाबाद के भाव की भी बात इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब की बार जो बारिश हो रही है लगातार, तो इससे अब आलू में नुकसान होने की फुल संभावना मुझे लग रही है। आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या ये जो बरसात हो रही है ये आलू के लिए फ़ायदेमंद है या मतलब नुकसान में? देखो भाई यार, इस बारिश से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको बता दें हम, इस बारिश से होगा तो सिर्फ घाटा। मतलब घाटा कैसे कि आलू अगर किसी का पका खड़ा है तो वो मतलब कि सड़ने गलने की समस्या आ सकती है। दूसरी बात, जो किसान खोद के ला रहे हैं जिनका बारदाना गीला हो गया है, व्यापारी भाई उसको बारदाना सूखा चाहते हैं। देखिए पूरी मंडी में कुछ है नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा सिस्टम, और वो सूखा चाहते हैं। दूसरी बात क्या है, एक तो आलू लोगों के मानना यही कम है वो एक बर्बादी, एक ये पानी बरसा है वो बर्बादी, यहाँ पे आलू की बिक्री हो रही है तो हर तरफ से बर्बादी है। और रही बात बारिश की कि कहाँ कहाँ पर हुई है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बारिश भाई साहब गारंटी देते हैं हम कि हमें नहीं पता है, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं लग रही जहाँ पर बारिश हुई ना हो, मतलब कि सीधा दिल्ली से लेके और इधर रायबरेली तक का अपडेट मुझे पता है कि बारिश सभी जगह हुई है। और इधर आपका चले जाओ आपका इधर औरैया और इधर चले जाओ आप शाहजहाँपुर तक का अपडेट मुझे पता है कि हाँ उधर भी बारिश हुआ है, मतलब लगभग सभी जगह पर बारिश हुआ है और कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। इस वीडियो के बाद तुरंत हम अभी खेतों में जाएंगे और देखेंगे क्या खेतों के हाल हैं, क्या खेतों में कितना पानी भर गया है, इस बारिश से कितना नुकसान होगा, इस नुकसान कितना होगा सीधी समझो, इससे पक्का नुकसान की ही आशंका है इस बारिश से। मतलब आलू सड़ने गलने की समस्या भी आ सकती है क्योंकि किसी के आलू पके खड़े हैं, किसी का क्या है कि कूड़ी जो है बारिश के चक्कर चलते खुल गई है तो उसका आलू जो है हरा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आलू की बिक्री वगैरह देखो चालू हो गई है। तो उससे पहले अगर हम लोग आलू मंडी फरखाबाद की बात करेंगे तो फरखाबाद में आज जो है 50 रुपये का करंट आया है, मतलब तो आज फरखाबाद में आमदनी लगभग 30 से लेकर 35 मोटर की आमदनी है और वहाँ पर भी बरसात को चलते मतलब इसी तरीके के हालात हैं। हालांकि क्या है, मैं वहाँ पे गया तो नहीं हूँ, अपडेट लिया है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या लोग बताते हैं कि भाई कल से आज 50 रुपये टाइट आलू बिक्री हुआ है। दूसरी बात यह है कि आमदनी भी कम है
बात अभी कितने भी किसान भाइयों का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि भाई आज किसी प्रकार की कहीं पर भी खोद नहीं हो पाएगी। सही जो माना जाए तो हो सकता है कि 2-3 दिन के लिए आलू की खुदाई बहुत कम हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात आती है फरखाबाद के आलू के भाव की, तो फरखाबाद में आज आलू 650 रुपये से लेकर और 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आलू की बिक्री आज, मतलब फरखाबाद में 650 से लेकर 750 आमतौर पर खूब बिक्री चली और अच्छे से चली। जितना भी माल आया था सारा माल बिक्री हो गया है और ऊपर में जो है लाट 800 तक आज फरखाबाद मंडी में आलू की बिक्री देखी गई है। अब बात आती है छिबरामऊ मंडी की, उसके बाद आएगी बात छिबरामऊ क्षेत्र के खेतों का हालचाल और खेतों में जाके आज ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। कम से कम 2 वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसमें कि मुझे ये पता चलाना है कि मतलब यार जो बारिश हुआ है इससे क्या वाकई में नुकसान होने की आशंका है। तो चलिए, हालांकि आज छिबरामऊ मंडी भी टाइट रहेगी और आप लोग इस वीडियो को कहां से ये भी ज़रूर बताना। और यहां पे देखो कुछ आलू की बिक्री वगैरह चल रही है छिबरामऊ मंडी में, तो आज आप लोगों को मैं छिबरामऊ मंडी की जो अपडेट दे रहा हूँ इस वीडियो में। उससे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि आगरा में आज मतलब वहाँ पर भी बारिश हुआ है और आगरा से आज फ़ोन आ रहे हैं कि भाई बारिश बहुत गलत हुआ है, उससे नुकसान होने की और जिन खेतों में झुलसा नहीं था उनमें और आने की भी संभावना आज से बढ़ गई है। अदरवाइज आगरा में 2 दिन का मीटिंग चल रहा था जिसमें कि एक्सपोर्ट को लेकर के बात चली थी, एक्सपोर्ट की तैयारी भी हुई। तो एक्सपोर्ट के बारे में जो तैयारियां हुई वो लोग जो हैं उन लोगों का भी वीडियो मेरे पास में है। एक्सपोर्ट होगा, कौन से क्वालिटी का आलू होगा, कहाँ के लिए होगा, वो सारी डिटेल आपको दूसरी वीडियो में जल्दी मिलेगी। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं छिबरामऊ मंडी में आज के आलू का भाव क्या है। तो मंडी का भाव अभी खुल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, बाद बाकी आमदनी की तो बात ही नहीं करना। आप लोग आमदनी का क्या है कि भैया आमदनी बिल्कुल ना के बराबर है, अभी 11-12 बज चुका है, आमदनी बहुत कम है। तो चलिए अब मंडी के जहाँ जहाँ पर बिक्री हुई है थोड़ा देख लेते हैं। और मौसम की बात करें तो दोबारा दिन में और बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मंडी में राजू ठाकुर जी के यहाँ पे आलू की बिक्री हो जाती है, तो यहाँ पे लगभग 2 लाटें बिक्री हो चुकी, 2 की 3 दो लाटें आलू की बिक्री भी हो चुकी है। और ये लाल आलू है, ये वाला क्या नहीं निबल निबल पड़ा है बहुत ज़्यादा, सफ़ेद वाला ये है 325 में, कैसा था मतलब कोई दिक्कत थी चेचा कैसा? अच्छा गीला खुदा हुआ था चेचा, मिट्टी इट्टी बहुत लगी। और ये वाला दूसरी लाट, अच्छा दोनों 325 में, इधर आओ अच्छा बाहर। तो अभी देखो आज मंडी में बरसात के चलते आमदनी कितनी हुई है अभी? दो मोटर होगी बड़ी मुश्किल से, वैसे ज़्यादा होगी। अच्छा जैसे कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं फ़ोन करके, राशिद भाई ये बताओ कि अब क्या खुदाई रुक जाएगी 2-3 दिन के लिए? नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, मतलब बारिश तो ज़्यादा हुई है साहब। हमारे एक गांव है भोराजपुर वाले में जी, वहाँ से आलू भी आ रहा है, वहाँ खुदाई लगी 2-3 लोगों लगी है आज लगी। हाँ अरे वहीं तो खबर आएगी, हमारा ट्रैक्टर जल्दी उतार देना क्योंकि मेरी दूसरी खुदाई लगी अभी यार जाना है। अच्छा मतलब अच्छा कहीं कहीं मतलब जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ खुद लग जाएगी, खुद लग जाएगी मतलब आज के बाद, मतलब आज हो सकता है रोक दें लेकिन कल फिर भी लगा सकते हैं अगर बारिश ना हुई तो। बारिश ना हुई तो आज ही लगेगी। तो साहब आज मंडियाँ सभी करंट पे हैं, टाइट हैं, तो अपनी मंडी क्या रहेगी साहब? देखो जो अच्छा आलू आएगा जो जिसमें मिट्टी चिपटी नहीं होगी जी वो तो कुछ तेज बिचेगा, हाँ वरना कल के भाव ही आलू बिकेंगे तेज वाली वो बिचेंगे अच्छे आलू। अच्छा मतलब लेकिन लोग तो ये सोचेंगे आज हर जगह से अपडेट आ रहा है भैया हर जगह मंडी जो है मतलब कुंटल पे 50 रुपये टाइट है, मतलब 25-30 रुपये बाजार आज टाइट है। जो आलू कल 300 बिके थे वो 325 मान चलिए। अच्छा जो आलू मिट्टी लगे लगाए सने सनाए आलू वो 300 कल बिके, 300-290 का लाट वो 325 बिका, मतलब आज जो 325 बिका वो आज इतने में बिक गया, मतलब टाइट ही है मंडी तो टाइट है। 20-25 रुपए की हाँ टाइटिंग आज है लगभग। जो लोग ऐसे में बेचे हैं अभी लोग कहते हैं इसमें मिट्टी की नहीं लेंगे, देख के चले जाते लेकिन आज लेके गए हैं, ये समझो आज लेके गए हैं, बस ये है। हाँ डिमांड है, हालांकि व्यापारी लोगों का मानना है कि थोड़ा बारदाना वगैरह भींगा नहीं होना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात देखो सब भींगे हुए आ रहे हैं। कितना क्या करे, सारे दिन पानी जब बरसा है तो क्या करेगा कास्कर? इस बारिश से कुछ नुकसान है आलू में क्या? बिल्कुल होगा, मोटी क्या नुकसान मतलब मोटी मिट्टी जो आलू आएंगे वो तैयार खड़े हो मोटी मिट्टी में उनमें निश्चित आलू दागी हो जाएगा ना, सड़ने गलने की समस्या आनी शुरू हो जाएगी भाई साहब।
और एक तो बाद निश्चित रूप सड़े ही जाएंगे। तो साहब आज आप अच्छा एक चीज बताओ कि अभी फिलहाल में लोग ये कहते थे आलू कम है, ठीक है, और झुलसा से भी मतलब कम निकल रहा है, अब बारिश भी हो रही है, तो अब तो मतलब और 5% अब तो और गड़बड़ हो रहा है ना, मतलब अब तो आलू में चांसेज जिनका बचेगा ठीक लग रहा है ना, अब तो किसी के मुँह से ये नहीं कह, आपने सुना होगा कि यार बात प्रॉब्लम केवल इतनी आ रही कि बाहर नहीं डिमांड है, बाहर अपने आप डिमांड आ जाएगी जब आलू कम होगा, तो कहां से बंगाल जब मांगेगा बाहर कोई मांगेगा देश तभी करंट यहाँ पे आएगा, वरना तो कोल्ड स्टोर इतने हैं कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कि कभी अंदाजा नहीं लग पाएगा आलू कितना है यहाँ पे स्टोर। कल हम 2 दिन से आगरा ही में थे, वहाँ पे विदेशों से लोग थे, मतलब दुबई के, जापान के, सभी लोग आए थे, एक्सपोर्ट के लिए बातचीत हुई थी कल, तो उन्होंने कुछ तय भी हुआ, प्रस्ताव भी पास हुए, 120 मैट्रिक टन किसी ने लिया, किसी ने कुछ करके ऐसा पास हुआ, तो एक्सपोर्ट की तो तैयारी चल रही है, तो हो सकता चांस बने रहे। आप किसान हो दादा, कहाँ से आते हो? अजीजलपुर से आए हो, अच्छा आपने क्षेत्र में ये बताओ आपकी तरफ बारिश आ रही थी, कैसी हुई साहब? बारिश हल्की हुई आपकी तरफ? अच्छा अभी कल आपने खोदा था क्या, मतलब कल खोदा था, कल कैसी बारिश हुई हल्की? आज रात में कैसी हुई? हल्की रात अच्छा, क्या हुआ अभी का आलू? 325 भी का, मतलब कल से कुछ टाइट है मंडी है लग रहा है ना। तो जैसे कि आज जो बारिश हुआ है, जैसे कि इससे खुदाई इधर रुकेगी या चलती रहेगी? अबे तो रुकेगी, मेरे इधर रुकेगी, आपकी तरफ रुक जाएगी, क्यों? मोटी मिट्टी का आलू है। अच्छा, मोटी मिट्टी का है, अच्छा मोटी मिट्टी है तभी रुक जाएगा, मतलब तुम तो कह रहे कम बारिश हुआ है फिर रुकेगा क्यों? नहीं, फिर भी रुकेगी, हमारे फिर भी रुक जाएगी, और जिधर ज्यादा हो गई फिर तो ज्यादा ज्यादा रुक गई। लोग तो ये कह रहे हैं कि आराम से खुदाई 10-15 दिन के लिए रुक गई, इतना बारिश हो गया। कमालपुर है, कमौली है, इलाके आलू आज शाम हवा चली गई, शाम ही खुदने लगे। अच्छा हो गया, दोबारा बरत गया तो रुक जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 लाड बिक्री हुआ है, बाद बाकी और मंडी में देखते हैं क्या कैसा बिक रहा है। ये किसान लोग हैं, आप लोग किसान भैया कहाँ से आते हैं आप लोग? ये कहाँ पड़ता है? अच्छा अहरुआ राजा रामपुर है ये वाला, उधर क्या बारिश वारिश कैसा हुआ रात में? मीडियम है बारिश, मीडियम हुई, कोई नुकसान बारिश से? नुकसान कुछ नहीं है। हाँ हाँ भाई पूछ रहे आलू में कोई नुकसान है? क्या नुकसान होगा आलू में? अरे जो खाली जमीन है वो भरी है ज्यादा, तो नुकसान तो है, सड़ने गलने का समस्या आएगा, आलू सड़ जाएगा ना। तो चलिए दूसरी दुकान पर देखते हैं कौन सा आलू किस क्वालिटी में बिका।